हेलो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए, लास्ट सेशन में पेन फ्री हैबिट्स के हमने देखा कि एलजेब्रा के कुछ एक क्वेश्चन, ठीक है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि स्मार्ट वर्क का इस्तेमाल आपको किस तरीके से करना है, उसका बेसिक भी मैंने बताया। फिर मैंने बताया कि आपको ऑप्शन के थ्रू इसे किस तरीके से देखना है। आज के सेशन में भी कुछ एक क्वेश्चन हम उससे रिलेटेड लेंगे, साथ के साथ हम ये देखेंगे। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमें पता होता है कि भाई इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, पर हमें ये भी पता है इंपॉर्टेंट है और हमें उसका कुछ चीज ऐसी पता नहीं है कि जिससे वो आंसर उसका छोटा हो जाए। तो हमें उस चीज पे आज काम करेंगे, यानी जिसे हम बोलते हैं बैकग्राउंड स्टडी। बैकग्राउंड स्टडी क्या चीज है? देखिए, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, कई कॉन्सेप्ट पे हमें पता होता है कि एग्जाम में पेपर में क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उन चीजों को लेकर हम पहले से ही काम कर लेते हैं घर पे कि भाई इस टाइप के क्वेश्चन में आपको ये करना होता है, ठीक है, और उसी के हिसाब से आंसर आता है। आज का पहला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका लास्ट सेशन से रिलेटेड है। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वो पहले लास्ट सेशन देखिए, फिर ये वाला सेशन देखिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपको ये दे रखा है, और आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। देखिए, मेन बात यह है, वैल्यू निकालना बड़ी बात नहीं है, मेन बात यह है कि आपका तरीका क्या रहेगा इसे करने के लिए, और उसी पे बेस आपके काफी सारे क्वेश्चन रहेंगे। जैसे कि लास्ट सेशन में हमने देखा था कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर की फॉर्म है अगर, तो उसे आप एन स्क्वायर माइनस टू लिखते हैं। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स क्यूब है तो एन क्यूब माइनस थ्री एन लिखते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैं दो तरीके से कर सकता हूं, दो तरीके से। किस तरीके से? सबसे पहले अगर मैं इसे बनाता हूं, देखिए कोशिश करेंगे अगर बनाते भी हैं तो उसमें भी लिखना ना पड़े, क्योंकि लिखने वाला पार्ट तो हम घर पे कर ही रहे हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको इस चीज से आगे निकलना पड़ेगा कि अगर बनाते भी हैं, जैसे मैंने प्रीवियस सेशन में बताया था, तो कोशिश करिए डायरेक्ट बनाए। जैसे कि अगर मैं देखता हूं ये वाला पार्ट, इसे अगर आप सॉल्व करते हैं तो दो नंबर ऐसे जो यहाँ पर गुणा करके लिखे हैं, चार और तीन, चार और तीन जोड़ के यहाँ लिखे, तो रूट चार प्लस रूट तीन, रूट चार माइनस रूट तीन, रूट चार प्लस रूट तीन, रूट चार माइनस रूट तीन, यानी दो प्लस रूट तीन, दो माइनस रूट तीन, ए इंटू बी आपका वन हो गया। तो ए दो प्लस रूट तीन है, बी आपका दो माइनस रूट तीन है, तो ए प्लस बी क्या आ जाएगा? फोर आ जाएगा। चार के साथ ये कितना बनता है? 52। चार के साथ 14, ये आपका एक, तो 67 आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हमने क्या किया, हमने कोई बहुत बड़ा टास्क नहीं किया, आपको घर पे भी इसी तरीके से करना है, चीजों को ब्रेक करिए। जैसे कि मैं यहाँ देखता हूँ, अब आपको इस टाइप की फॉर्मेशन देखते ही आप पेन चलाना शुरू कर देते हैं, पेन नहीं चलाना आपको, केवल देखना है। यहाँ पर दो नंबर ऐसे, चार तीन, चार तीन, रूट चार प्लस रूट तीन, रूट चार माइनस रूट तीन, प्लस माइनस कट गया, रूट चार प्लस रूट चार जो कि चार हो गया। ए प्लस बी अगर चार है और ए इंटू बी वन है, ए इंटू बी वन है तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर, चार का स्क्वायर माइनस दो, चार का क्यूब माइनस तीन इंटू चार, और प्लस एक, 67 आपका आंसर हो जाएगा। ये था तरीका बनाने का, और बनाने के तरीके पे भी हमने होमवर्क किया, इसी चीज पे हम आगे की वीडियो भी देखेंगे कि हमने होमवर्क किया हुआ है। जो चीजें हम लगातार लिखे जा रहे हैं, अगर हम उसके अंदर कोई स्मार्ट वर्क नहीं कर सकते तो स्मार्ट वर्क के अलावा और क्या चीज ऐसी हो सकती है जिससे वो क्वेश्चन छोटा हो जाए। दूसरी चीज अगर मैं इसमें देखता हूं, अब देखिए आप इसकी अगर फॉर्मेशन देखते हैं, एन क्यू माइनस थ्री एन प्लस एन स्क्वायर माइनस टू प्लस वन, अगर मैं चार ऑप्शन देखता हूं तो मैं देखता हूं एन की वैल्यू जो हो सकती है वो फोर हो सकती है, जैसे हमने प्रीवियस सेशन में देखा था। तो एन की वैल्यू अगर फोर लेते हैं आप, तो ये कितना आ जाएगा? 52, ये 14, ये 1। और इसके लिए आपने क्या करा, ये वाला पार्ट नहीं देखा, केवल ऑप्शन देखे और उसी से आपने जज किया कि n की वैल्यू जो पॉसिबल है वो 4 पॉसिबल है, तो 4 के साथ आपने 52, ये 14 और ये 1, यानी 67 आपका आंसर हो जाएगा। तो दोनों ही तरीके ऐसे हैं जिसमें आपको पेन नहीं लगाना पड़ेगा, और ये तरीका हमने लास्ट क्लास में भी सीखा था, लास्ट सेशन में, जिसमें हमने ऑप्शन से आंसर मार्क किए थे। आइए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऐसे।
एक फिक्स वैरायटी पे क्वेश्चन रहता है और वो फिक्स वैरायटी की प्रैक्टिस हम आज ही करेंगे। जैसे कि क्वेश्चन है आपके सामने ये, एक्स प्लस वन इंटू एक्स माइनस टू। देखिए क्वेश्चन ना वक्त ले जाता है हमारा और इसका ना वेरिएशन भी बहुत संभव है। और एग्जाम का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अब आपको ध्यान से देखना है। अब देखिए जैसा कि आपको बताया गया, दो तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं इसे। एक तरीका यह है कि अगर आपको ऑप्शन देखने की आदत है और लास्ट सेशन भी आपने अगर देखा है ध्यान से, तो आप सीधा देख सकते हैं ये एक्स जेड क्यूब माइनस वन बाय जेड क्यूब, इसकी फॉर्मेशन क्या होगी, एन क्यूब प्लस थ्री एन, जो कि आपका बी ऑप्शन आ जाएगा। चार ऑप्शन देखते हैं किसके क्यूब के करीब, तीन के क्यूब के करीब, तो तीन का क्यूब प्लस तीन इंटू तीन। केवल देखना है और आंसर मार्क करना है और कुछ नहीं करना आपको, जैसे हमने लास्ट सेशन में देखा था। दूसरी चीज देखिए इसके साथ साथ, जैसे कि मैं हमेशा ये मानता हूँ कि शॉर्टकट तरीका तो हमें पता है, यानी स्मार्ट वर्क हमें पता है कि हमें किस तरीके से करना है, वो आपको लगातार बताया जा रहा है। साथ के साथ देखिए मेरी जो स्ट्रेंथ है ना, मैं अपनी स्ट्रेंथ यही मानता हूँ कि स्मार्ट वर्क के साथ साथ मुझे अगर रेगुलर मेथड से भी करना होगा तो भी उसमें मैं मिनिमम से मिनिमम लिखूंगा, और उस चीज़ के लिए मैंने घर पर होमवर्क किया पहले। अब होमवर्क किस तरीके से किया आप ये देखिए। अब जैसे मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन, और इस तरीके के चार से पांच क्वेश्चन है जो एग्जाम में आए, मैं चार से पांचों क्वेश्चन ही अभी लूंगा सारे, क्योंकि इसका ना कुछ कुछ वेरिएशन भी हो सकता है। आप देखते हैं एक्स प्लस वन यहां पर है, एक्स प्लस वन यहां पर है, यानी आपको वैल्यू चाहिए किसकी, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको चाहिए, इसकी वैल्यू अगर पता लगती है तो इससे आप आंसर निकाल सकते हैं, पर आपको वैल्यू पता है इसकी, इसे आप किस तरीके से लिख सकते हैं, देखिए इस तरीके से लिख सकते हैं, इसे मैंने इस तरीके से लिख दिया। अब आप देखते हैं आपको वैल्यू चाहिए x प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन। अगर आप देखते हैं x माइनस टू माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्व टू जीरो, ये केवल समझने वाला पार्ट है, अगली बार से क्या होगा ये मेरी गारंटी है, आप ये क्वेश्चन देखेंगे और सीधा आंसर मार्क करेंगे, चाहे आप वो ऑप्शन मेथड से करें चाहे आप वो बना के करें। तो आपको इस चीज को ध्यान से समझना है। अभी हम दो तीन क्वेश्चन ले लेंगे, चार क्वेश्चन। अब आप देखते हैं ये, आपने देखा जो वैल्यू चाहिए थी वो तो ये चाहिए थी प्लस वन वाली, प्लस वन वाली क्या कब आ सकती है, जब इसके अंदर थ्री ऐड कर दिया जाए, थ्री आप यहां पर भी ऐड कर देंगे। अब आपने देखा ये क्या बन गया, एक्स प्लस वन माइनस वन अपॉन एक्स प्लस वन इक्व टू थ्री। अब आपने देखा ये जो एन आ रहा है, ये जो एन था इसकी वैल्यू क्या आ गई, थ्री आ गई, ठीक है। अब यहां दो चीजें ध्यान रखनी है, दो चीजें दिमाग में गांठ बांध के रखनी है। पहली चीज, अगर यहां प्लस का साइन है, अगर यहां प्लस का साइन है तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि अगर ये प्लस का साइन था तो ये वैल्यू इधर चली जाएगी तो वैल्यू मिलेगी माइनस वाली। तो राइट साइड पॉजिटिव तो वैल्यू मिलेगी ये वाली, राइट साइड नेगेटिव तो वैल्यू मिलेगी ये वाली। पहली चीज ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज आप देखते हैं एन कैसे आया, एन आया ये प्लस थ्री, थ्री क्या चीज है, थ्री आया कैसे, हमने ये देखा कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए जो ये एक्स प्लस वन बन जाए, तो यानी इसके अंदर क्या ऐड किया जाए, इसके अंदर क्या ऐड किया जाए जो ये प्लस वन बन जाए, इसके अंदर थ्री ऐड किया जाए तो वो एन की वैल्यू हो जाएगी। अब अगर मेरे को क्वेश्चन करना है तो मैं क्वेश्चन करते वक्त अब दो चीजें देखूंगा। पहली चीज तो देखिए मैंने ऑप्शन से बताया आपको, दूसरी चीज जो आपको देखनी है वो ये देखनी है, ये क्वेश्चन आपके सामने है, आपने देखा वैल्यू चाहिए कौन सी, माइनस वाला है, माइनस वाली वैल्यू चाहिए, वैल्यू कौन सी मिलेगी, माइनस वाली, एक कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब वो वैल्यू कितनी होगी वो आपको देखना है कि वो वैल्यू एन की क्या आएगी, इसके अंदर क्या जोड़ा जाए जो एक्स प्लस वन बन जाए, इसके अंदर तीन जोड़ा जाएगा
और अगर आप इसके अंदर तीन जोड़ देते हैं तो वो कंडीशन एन की वैल्यू दे देगी आपको जो यहां पर मिला है। तो आपने देखा एन की वैल्यू कितनी आ गई, तीन, तीन के साथ क्या बनता है, 36 बनता है, 36 आपका आंसर हो जाएगा। ये डिटेल मेथड है पूरा, पर ये आपको करना नहीं होता एग्जाम में कभी, एग्जाम के लिए आपको डायरेक्ट ही रखना है। इसके अंदर वेरिएशन भी हो जाता है क्वेश्चन के अंदर। अब हम देखेंगे पेपर में किस किस तरीके से क्वेश्चन बने हैं इस पे। आइए अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कोशिश करिएगा डायरेक्ट ही आंसर करने की, क्योंकि मैं डायरेक्ट ही कहूंगा आंसर करने के लिए, ये भी एग्जाम का ही क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने ये है कि x प्लस थ्री इंटू एक्स माइनस वन इक्वल टू प्लस वन। दो चीजें आपके सामने है, पहली चीज ये है कि आप अगर ऑप्शन से करते हैं, देखिए जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, होमवर्क, सब चीजें जरूरी है, और यही चीज मैं स्ट्रेंथ मानता हूँ आपकी। एग्जाम आपका पास आ रहा है तो कोशिश करिए इन सभी चीजों पर काम करने की। जब तक आप सब चीजों पर काम नहीं करेंगे, लगातार बनाते रहेंगे, तो एग्जाम निकालने में लगभग 2 साल 3 साल आपको आराम से लगेगा। तो उस चीज को अगर अवॉइड करना है, तो जितने भी मेरे सेशन है, आप पुराने सेशन देखेंगे, सारे सारे मैंने पेन फ्री इसलिए बनाए हैं जिससे आपको उस चीज की डेली रूटीन में आदत पड़े। ऐसा नहीं है कि आपने क्लास अटेंड कर रहे हैं कहीं, या नोट्स बना रहे हैं, लगातार बनाए जा रहे हैं बनाए जा रहे हैं। पेपर में परफॉर्म करना है, परफॉर्मेंस के हिसाब से देखिए आपको क्या करना पड़ेगा। अब मैं इस क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे कि आपको बताया गया है जो आंसर होगा एन क्यू प्लस थ्री एन की फॉर्मेशन का होगा। अगर किसी को ये बात समझ नहीं आती है, वो लास्ट सेशन का वीडियो देखिए, फिर ये देखिए एन क्यू प्लस थ्री एन, चार ऑप्शन अगर मैं देखता हूँ तो किसका क्यूब ले सकता हूँ, इसके लिए मैं तीन का क्यूब ले सकता हूँ, पर तीन के क्यूब के साथ ये नहीं बनेगा। इन सब के लिए मैं चार का क्यूब ले सकता हूँ, चार का क्यूब प्लस तीन इंटू चार, तो केवल डी ऑप्शन ही ऐसा है जो इसका आंसर हो सकता है। तो उसके लिए मेरे को पॉइंट तक भी नहीं लगाना, मेरे को डायरेक्ट देखना है और आंसर मार्क कर देना है। और जब आप लगातार क्वेश्चन करेंगे, लगातार क्वेश्चन करेंगे, तो आपको पता लग जाएगा कि तीन के साथ 18 बनता है, ठीक है, और 36 बनता है, चार के साथ 52, 76, पांच के साथ 110, 140। तो ये पार्ट भी आपको ज्यादा याद नहीं रखना पड़ेगा। ये क्या है, एन क्यूब माइनस थ्री एन है, ये एन क्यूब प्लस थ्री एन है, तो बार बार मल्टीप्लाई करके क्यूब करके ऐड नहीं करेंगे। अब जैसे मेरे को दिख गया, मेरे को 76 सीधा दिखता, मैं सीधा आंसर मार्क कर देता, चार का क्यूब प्लस तीन इंटू चार, क्योंकि मैंने ये याद कर रखा है। अब आते हैं इस वाले पार्ट पे। दूसरा पार्ट है कि अगर कोई बच्चा कहता है नहीं जी मैं नहीं बनाना चाहता ऐसे, ठीक है, या उसे समझ नहीं आता है, अब मान लेते हैं आपको अपना तरीका ही जो है, आप इसमें स्टेप बाय स्टेप करेंगे, बिना पेन के तो नहीं करेंगे, डेफिनेट बात बता रहा हूँ, ठीक है, आप स्टेप बाय स्टेप लगाएंगे, रीअरेंज करेंगे, फिर आंसर पे आएंगे। तो दोनों ही तरीके मैंने पेन फ्री बता रहा हूँ आपको। आपने देखा यहाँ x प्लस थ्री है, यहाँ भी x प्लस थ्री है, बीच में माइनस, बीच में माइनस कब आएगा आपको बताया था, जब यहाँ पर प्लस होगा, प्लस आएगा तो ये माइनस आएगा, यानी वैल्यू किसकी मिलेगी आपको, वैल्यू मिलेगी इसकी, और वैल्यू क्या मिलेगी वो मैंने बताया था आपको कि ये देखिए कि इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये थ्री बन जाए। इसके अंदर अगर आप फोर ऐड करते हैं तो ये थ्री बन जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई, फोर आ गई। तो आपके दिमाग में अगर सीधा आ गया फोर, तो चार के साथ सीधा वैल्यू दिखनी चाहिए 76, तो डी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम का क्वेश्चन है, और वैसे ये क्वेश्चन बड़ा पड़ता है। दो तरीके बताए हैं और दोनों ही पेन फ्री हैं। देखिए अब वो डिपेंड करता है आप पे कि आप रूटीन में कितना लगा रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका मेस का ही है। यह आपका 15 मेंस का क्वेश्चन है, चाहे वो बुक में भी मिलेगा आपको। अब आप देखिएगा जब आप बुक में इस टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, सीधा सीधा आंसर नजर आएगा आपको, और वो आंसर सीधा इसलिए नजर आएगा क्योंकि आपने अब एक बार देख लिया। मैंने ये चीज इतनी बार देखी भी, मुझे देखते ही सीधा पता लग जाता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए,
और वो केवल रिपीटेड प्रैक्टिस है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब मैं देखता हूं क्वेश्चन अपना, ये क्वेश्चन है आपके सामने। अब अगर आपने ऑप्शन में काम किया हुआ है तो आप सीधा देख के आंसर मार्क कर देंगे, ये भाई इसका आंसर डी होगा 140। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मेशन ऐसी है जो एन क्यू प्लस 3n को फॉलो कर रही है, तो डी ऑप्शन आपका सीधा आंसर हो जाएगा। ना मैंने ये देखा, ना मैंने ये देखा, केवल ये देखा, ऑप्शन देखा, आंसर मार्क किया। आप ये देखिएगा प्रीवियस ईयर में क्या ये पेपर में आया, या ऑप्शन भी इस तरीके से है, नहीं है, या मैंने ही बनाया ऐसे ऑप्शन, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। क्योंकि कई बच्चों के दिमाग में आया था कि ऐसा तो नहीं होता कि भाई इतना आसान होगा, चीजें वही है कि अगर आपको पता लग जाए तो बहुत ही ज्यादा आसान है, और पता नहीं लगती है तो आप इसमें बनाते रहिए, रीअरेंज करिए, फिर आंसर आएगा। दूसरी चीज, अगर आपको बनाना ही है, ऐसे बनाना भी है तो स्मार्ट तरीके से बनाते हैं ना, ऐसा थोड़ी है कि लगातार लिखते रहेंगे। अब आपने देखा इसकी वैल्यू निकालनी है तो आपको वैल्यू किसकी पता होनी चाहिए, इसकी, इसकी वैल्यू पता लग गई तो आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब हमने देखा इसकी वैल्यू मिलेगी यहां से, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है तो वैल्यू तो इसी की मिलेगी। अगर यह नेगेटिव साइन होता है तो वैल्यू मिलेगी प्लस की। इसमें क्वेश्चन वेरिएशन भी हो जाती है, आगे के जब सेशन आएंगे मैं आपको ये दिखाऊंगा, जो पहले मैंने बेसिक बताया अब इसके ऊपर वेरिएशन क्वेश्चन के अंदर किस किस तरीके से हो सकता है। अब आप आगे देखते हैं, अगर ये x माइनस ए है, इसे x माइनस ए बनाना है, ये x माइनस ए कब बनेगा, जब इसके अंदर आप क्या ऐड करेंगे, b माइनस ए, क्योंकि b से b कट जाएगा, माइनस ए बच जाएगा, यानी b माइनस ए इसके अंदर ऐड करना है। b माइनस ए ऐड करने का मतलब है, यहां से अगर मैं देखता हूं b माइनस ए की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई, b माइनस ए मेरे को 5 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। और 5 जैसे ही आपको वैल्यू पता लगी सीधा दिमाग में आना चाहिए 110, 140, माइनस वाला होगा तो 110, प्लस वाला होगा तो 140, एन क्यू माइनस 3n होगा तो 110, एन क्यू प्लस 3n होगा तो 140, तो डी ऑप्शन आपका सीधा आंसर आ जाएगा। तो इसके लिए भी स्टेप करने की जरूरत नहीं है, वो केवल मैं आपको लिख के बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में एक बार बात ये अच्छे से बैठ जाए। आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के अंदर वेरिएशन भी हो जाता है कई बार। वेरिएशन किस तरीके का हो जाता है आप ये देख लेते हैं। अब ये क्वेश्चन है आपके सामने, ठीक है। अब देखिए, क्योंकि आप पहले सेशन देख चुके हैं इसलिए आंसर तो आप सीधा देख के निकाल सकते हैं, और आंसर सीधा देख के वो ही बच्चा निकाल सकता है जिसने पहले ये सेशन देख रखे हैं या इस तरीके से काम किया हुआ है। ऐसे कोई नया बंदा जिसने इस पे काम नहीं किया हुआ तो वो देखिए वो तो ऑप्शन को देखता तक भी नहीं है। मैं सही बात बताऊँ आपको, आप भी देखेंगे जब आप पढ़ते हैं या कहीं क्लास वगैरह करते हैं तो बहुत कम क्लासेज ऐसी होती हैं जिसके अंदर ऑप्शन भी लिखे जाते हैं, अदरवाइज आपको बताया जाता है कि भाई इस तरीके का क्वेश्चन आपको बनाना किस तरीके से। तो ऑप्शन का एक बहुत बड़ा रोल है, जैसे कि आप शुरू से देखते हैं मैं ऑप्शन से काफ़ी सारी चीज़ें कराता हूँ, ठीक है, तो वो आपको अपने पास रखनी है, उन चीज़ों को डेली रूटीन में लगाना है। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। ये देखते ही आपको पता लगना चाहिए फॉर्मेशन कौन सी बनेगी, एन क्यू माइनस 3n, कौन सा आंसर होगा, 110, अभी अभी लिखा था 5 के साथ 110 और 140, 140 का बात है, एन क्यू प्लस 3n करेंगे, एन क्यू माइनस 3n करेंगे, 110, तो देखना है और आंसर सीधा मार्क करना है। ये तो हो गया पहला तरीका, अब आते हैं दूसरे तरीके पे। अब अभी तक क्या था, अभी तक यहाँ पर प्लस 1 दे रखा था और आपने सीधा चीजें कर ली थी। अब यहाँ पर क्या है, वो फैक्टर दे नहीं रखा आपको, फैक्टर नहीं दे रखा तो थोड़ा सा काम आपको यहाँ पर करना पड़ सकता है। वो किस तरीके से, जैसे कि अगर आप देखते हैं इसके लिए वैल्यू किस चीज की चाहिए, ये देखिए लिखने वाला पार्ट मैं केवल इसलिए लिख रहा हूं कि आपको बात समझ आ जाए। इसके लिए आपको वैल्यू चाहिए इसकी, बीच में अगर प्लस चाहिए, बीच में प्लस कब आएगा, जब राइट साइड में माइनस होगा। अगर मैं इसे लिखता हूं तो राइट साइड में माइनस 1 कर दूंगा, ठीक है, राइट साइड में अगर मैं माइनस 1 करता हूं तो लेफ्ट साइड में भी माइनस 1 करना पड़ेगा, तो ये -6 हो जाएगा।
अब देखिए राइट साइड में माइनस वन किया आपने, माइनस सिक्स हो गया, इसका एक फैक्टर एक्स प्लस थ्री तो होगा ही होगा, ये जो है। दूसरा फैक्टर आपको नहीं पता है, दूसरा फैक्टर निकालने के लिए हमने देखा तीन को किससे गुणा किया जाए, माइनस छह आ जाए एक्स माइनस टू से। अब आप देख सकते हैं अब ये क्वेश्चन वैसे ही बन गया जैसे पिछला क्वेश्चन था। तो इन क्वेश्चन के अंदर इस तरीके का वेरिएशन आपको एग्जाम में मिल सकता है। आपने देखा ये x प्लस थ्री हो गया, ये x माइनस टू, माइनस टू कैसे, क्योंकि ये माइनस छह था। अब क्वेश्चन आपका बिल्कुल वैसे ही है, अब तो आप सीधा आंसर कर सकते हैं इसके अंदर क्या ऐड किया जाए कि ये प्लस थ्री बन जाए। इसके अंदर आप ऐड करेंगे पांच को, अगर फाइव ऐड करते हैं इसके अंदर तो एक्स प्लस थ्री हो जाएगा, और ये ऐड नहीं करना है, ये बेसिकली आपको इसलिए बताया गया कि आपको n की वैल्यू चाहिए, तो n की वैल्यू आपकी 5 आ जाएगी। 5 के साथ फॉर्मूला लगाते हैं एन क्यू माइनस थ्री एन का, तो सीधा बताया आपको 110, तो 110 आपका आंसर हो जाएगा। ये भी आपका मेस का ही क्वेश्चन है, मेस में आया हुआ है ये क्वेश्चन, अदरवाइज आपको इसमें बनाना पड़ेगा, पूरा बनाएंगे फिर जाके आंसर आएगा। आइए एक लास्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, इसी पे बेस है, वो भी एग्जाम का है, कोशिश करिएगा उसका आंसर जल्दी आ जाए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इस टाइप के काफी क्वेश्चन आप बुक्स में भी देखेंगे, अलग अलग टाइप के बुक्स में इस टाइप के क्वेश्चन दिए गए हैं, बस सॉल्यूशन वाला पार्ट देखिए हमेशा हमारा होता है। क्वेश्चन आप किसी भी बुक से लीजिए एक्स वाई जेड से, सॉल्यूशन हमेशा अपना रखिए, जो आपका सॉल्यूशन है वो बेस्ट रहेगा हमेशा। तो छोटे से छोटे सॉल्यूशन पे आपको काम करना है। अब जैसे कि अगर मैं क्वेश्चन देखता हूँ और मैं ऑप्शन देखता हूँ, देखते ही मेरे को आंसर पता लग जाएगा 198। 198 मुझे कैसे पता लगा, क्योंकि मैंने 6 के साथ भी याद किया हुआ है, ये 198, ये 234, तो एन क्यूब माइनस थ्री एन चार ऑप्शन में किसके क्यूब के करीब है, 6 के क्यूब के करीब है, 6 का क्यूब माइनस 3 इंटू 6 जो कि आपका 198 हो गया, सीधा आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, सीधा देखना है और आंसर मार्क करना है। घर पे प्रैक्टिस जरूर करिएगा, जो भी बुक है आपके पास आप देखिए प्रीवियस ईयर में कितने क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप सीधे देख के आंसर मार्क कर सकते हैं, पर लगातार डेली रूटीन में आप पेन से उन्हें बनाए जा रहे हैं तो उस चीज पे आपको काम करना पड़ेगा। अब दूसरे तरीके पे आते हैं, अब दूसरा तरीका करने के लिए देखिए मैं लिखूंगा नहीं इसके अंदर, मैं डायरेक्ट ही समझाता हूँ आपको। देखिए राइट साइड में माइनस वन, माइनस वन इसलिए क्योंकि यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस वन लिखेंगे तो यहाँ क्या होगा, माइनस एट होगा, क्योंकि जब यहाँ पर माइनस एट होगा तभी तो यहाँ माइनस वन होगा, और माइनस एट अगर आ गया इसका एक फैक्टर तो एक्स प्लस फोर होगा, दूसरा फैक्टर क्या होगा, फोर को आप किससे मल्टीप्लाई करें जो माइनस एट आए, एक्स माइनस टू से, तो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल्स टू माइनस वन, तो एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू माइनस वन हो गया, माइनस टू में क्या जोड़ा जाए कि वो प्लस फोर हो जाए, उसके अंदर छः जोड़ा जाएगा, 6 के साथ क्या बनता है 198, क्योंकि एन क्यू माइनस थ्री एन है, तो 198 आपका आंसर आ जाएगा। एक बार लिख भी देता हूं, देखिए काफी बच्चों को आपको शिकायत हो सकती है कि समझ ना आए, पर देखिए इसी का नाम ही खेल है पूरा, ये जो सिलेक्शन है ना ये केवल इसी चीज का खेल है। मैं क्लास में भी आप किसी भी मेरे स्टूडेंट से पूछिएगा वो बताएंगे आपको कि कितनी बार मैं ये कोशिश करता हूँ कि आप डायरेक्ट चीजों को समझें। देखिए लिख के आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, नोट्स बना के देखिए रद्दी इकट्ठी होती रहेगी, पेपर में वो साथ नहीं जाने, पेपर में केवल आपकी हैबिट साथ में जाएगी, जो आपकी हैबिट घर पे रहेगी वही एग्जाम में रहेगी, तो हैबिट्स पे ही हम काम कर रहे हैं। दोबारा से देखते हैं एक बार, देखिए अगर मैं देखता हूँ इसे एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स माइनस एट इक्वल टू माइनस वन, दोनों तरफ माइनस वन कर दिया मैंने, जिसे आप इस तरीके से लिख सकते हैं एक्स प्लस फोर इंटू एक्स माइनस टू इक्वल टू माइनस वन, क्योंकि एक फैक्टर तो फिक्स है ये होगा ही होगा, दूसरा हमें नहीं पता था, माइनस एट देख के पता लग गया माइनस टू आएगा। अब इसमें क्या ऐड किया जाए, इसमें छः ऐड करेंगे तब ये चार बनेगा, तो छः जो ऐड करेंगे वो किसकी वैल्यू निकलती है, एन की वैल्यू निकलती है, छः के साथ एन क्यू माइनस थ्री एन लगाते हैं तो क्या मिलता है,
198 मिलता है, प्लस लगाते हैं तो क्या मिलता है 234 मिलता है। अब देखिए आगे आगे जैसे सेशन आएंगे मैं आपको रटवाई दूंगा ये चीज़ कि भाई आपको इसके साथ ये याद रखना है, इसके साथ ये याद रखना है। बार बार एग्जाम में पूरा नहीं खोलेंगे 6³ + 3 × 6 इस तरीके से नहीं करना है। तो आज के सेशन में हमने कोशिश करी, देखिए जो एडवांस लेवल के क्वेश्चन थे ये अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, अगर आप देखेंगे इन क्वेश्चन का अगर सोल्यूशन वैसे करेंगे तो आपको समय लग सकता है। वैसे ये डायरेक्ट भी देखे जा सकते हैं कि आप सीधा देखें और आंसर मार्क करें। तो मेरी हमेशा कोशिश यही रहती है जो मुश्किल क्वेश्चन है, जो नया तरीका है, वो मैं आपके पास लाऊं और आपको सिखा सकूं कि नया से नया क्या है। जो बेसिक चीज़ें देखिए वो आप में से सभी को पता है, ठीक है, और आप सभी पढ़ भी रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि मैं चाहे कम से कम वीडियो बनाऊं, पर ऐसी वीडियो बनाऊं कि आपके लिए वो पेपर में बहुत हेल्पफुल हो। तो आज के सेशन में देखिए इतना ही करेंगे, बाकी कोशिश करेंगे अगले सेशन में और अच्छे चेंजेस और अच्छे क्वेश्चन लाने की, ठीक है। तो जब तक के लिए आप पढ़ते रहिए और वीडियो को शेयर करते रहिए, ठीक है। गुड बाय, जय हिंद।